समुद्री तट पर मछुआरे जो भाई बहन हमारे, साल में 5 महीने करीब करीब उनका काम बंद हो जाता है। वेदर के कारण वर्षा में समुद्र में जाना संकट कारक होता है, इसलिए जाना बंद होता है। लेकिन सीवीड की खेती हमारे यहां पॉपुलर नहीं हो रही है। हमारे समुद्री तट पर हमारे मछुआरे भाई बहन अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा समंदर के पानी में ही सीवीड की खेती करें, तो आज फार्मास्यूटिकल के लिए वो बहुत बड़ा बेसिक मटेरियल के रूप में, बहुत यानी लेबोरेटरी में ये प्रूवन चीज है कि फार्मास्यूटिकल के लिए सीवीड का, मान लीजिए सीवीड का मार्केट नहीं मिला, सिर्फ उसको समंदर में 45 दिन का उसका सर्कल होता है, 45 दिन बाद वो उसकी फसल तैयार हो जाती है, हर 45 दिन के बाद एक फसल मिलती है। अगर 45 ऐसे समंदर के अंदर आपने फैला दिया तो हर दिन आप उसकी फसल ले सकते हैं। कुछ न करें, उसका सिर्फ जूस निकालें और खेतों में जूस सिर्फ छिड़कने का काम करें, तो भी बहुत बड़े मार्केट से जमीन की रक्षा का बहुत बड़ा काम सीवीड के जूस से हो सकता है। कुछ नहीं करना है, बिना मेहनत का काम है जी। क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा समुद्री तट के हमारे मछुआरा भाई जो 5 महीना करीब करीब काम उनका बंद हो जाता है, जिनके परिवार की महिलाएं दिन रात घर में होती हैं, उनके लिए अवसर खोला जा सकता है क्या? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थकारण में बदलाव लाने के लिए सहकारिता आंदोलन छोटी छोटी चीजों के द्वारा भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।